गाइज, हो सकता है कि ये जो रिज़ल्ट आया इसमें आप क्लियर नहीं हुए हो, आप एकदम डिजेक्टेड फील कर रहे होगे, एकदम मायूस फील कर रहे होगे, ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। गाइज, मैं इस बात को समझ सकता हूँ, मैं रैंक होल्डर भी रह चुका हूँ और मैं फाइनल में फ़ेल भी हो चुका हूँ, तो मुझे ये फीलिंग अच्छे से पता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, हर रिज़ल्ट के बाद में बहुत सारे बच्चे, लिटरली स्पीकिंग थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को गाइड करता हूँ कि कैसे इस फेलियर से बाहर निकल के वापस अपने सक्सेस की तरफ जाना। बच्चों, इस बार भी रिजल्ट आया तो मैं देखा जो बच्चे दो दो तीन दो दो साल से एक भी ग्रुप निकल रहा था, 8% रिजल्ट में बोध ग्रुप निकले सीए फाइनल में। कुछ काफ़ी समय से एक ग्रुप लेकर बैठे थे वो भी क्लियर हुए हैं। एक बंदा जिसको 10 साल हो गए थे वो भी क्लियर हुआ है। देखो बच्चों, हो सकता है कि आप सक्सेस के बहुत 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 ज़्यादा नज़दीक हो। ये मोमेंट बहुत लो है, इसको हमको समझना है, संभालना है और कुछ ऐसा करके दिखाना है कि अगली बार रिजल्ट बदले। लिटरली स्पीकिंग, हर अटेम्प्ट में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं देखने को मिलता है कि इन्होंने अपना रिजल्ट बदला है। अगर वो अपना रिजल्ट बदल सकते हैं तो आप भी अपना रिजल्ट बदल सकते हो। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि हम क्या गलत कर रहे हैं और हम इससे कैसे बाहर निकले और आगे बढ़े। हम लोग पोस्ट रिजल्ट काउंसलिंग सेशन रखते हैं ऑडिट गुरु टेलीग्राम चैनल पे, रवि टावरे यूट्यूब चैनल पे। ये सेशन होंगे, हर बार रिजल्ट के बाद होते हैं, इस बार भी होंगे, और एक एक की बात सुन करके उनको बताया जाएगा कि उनकी क्या गलती है और कैसे इससे बाहर निकलना। सो गाइज, मैं जल्द ही वो सेशन लूँगा, कुछ ही घंटों में लूँगा, तो स्टे ट्यून्ड और मैं आपके साथ रहूँगा और इससे कैसे बाहर निकलना और कैसे सक्सेस अचीव करना ये आपको ज़रूर बताऊँगा।